नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। कोरोना महामारी की जो प्रकोप है, हर दिन नए आंकड़े पुराने हो जा रहे हैं, तो ऐसे में जो मृत्यु दर भी है वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन रिकवरी रेट क्या है, या फिर अभी जो वर्तमान कोरोना मरीजों की क्या कुछ संख्याएँ हैं खगड़िया की अगर हम बात करें, तो इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी हैं। असल जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफे हो रहे हैं, तो अभी वर्तमान क्या स्थिति है खगड़िया में अगर कोरोना मरीजों की बात करें? अगर खगड़िया की बात करें तो मुख्यतः इसमें खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र में अधिकांश मामले जो भी नए आ रहे हैं परिलक्षित हो रहे हैं, और उसके बाद परबत्ता ब्लॉक की अगर बात करें तो वहाँ पर जो हब बना हुआ है जो पॉजिटिव केसेस का, इसके लिए हम लोग रूटीन वे में जो प्रचार प्रसार है वो गतिविधियां तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग अब कंटेनमेंट जोन के इन्फोर्समेंट पे भी थोड़ा इसमें जोर दे रहे हैं, ताकि जो लोग पॉजिटिव हैं उनसे संक्रमण दूसरे लोगों को ना पहुंचे, और अगर किसी एक गली विशेष में ज़्यादा संख्या में केस हैं तो वहाँ से बाहर निकल के नहीं आए। तो ये कंटेनमेंट जोन पर काफ़ी प्रभावी ढंग से लास्ट 3-4 दिनों से हम लोगों ने इस पर कड़ाई से अभी इन्फोर्समेंट कराना शुरू भी किया है, और जो दुकानों का खुलने का जो नियम था, जो आदेश निकला था, उसको भी इन्फोर्समेंट हम लोग करा रहे हैं। कोषांगों का गठन हम लोगों ने अलग से कर दिया है अब, जिसमें कि टेस्टिंग कोषांग एक अलग से DDC की अध्यक्षता में है, जो प्रतिदिन ये मॉनिटर कर रही है कि जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जो एक्टिव केस हैं वर्तमान में, उनके इर्द गिर्द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जिन लोगों के संपर्क में वो आए हैं उनकी भी हम लोग टेस्टिंग कराएँ। साथ ही साथ जो टेस्टिंग रेलवे स्टेशन पर हो रही है या कहीं और हो रही है, वहाँ पर उनको मेडिकल किट उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसकी एंट्री हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, कोई गैप तो नहीं रह जा रहा, जो सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको ससमय उसी दिन हम लोग भेज पा रहे हैं कि नहीं भेज पा रहे हैं। इसमें 1-2 दिन का लैग आ गया था, और जिसके कारण कि जो परिणाम आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा था, लेकिन 2-3 दिन में हम लोग इसमें लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए और ससमय हम लोग सैंपल भेज पाएंगे, ताकि कम से कम समय में लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कि वो नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, ताकि उसके अनुरूप जो भी गतिविधि या कार्रवाई है वो लोग करें। सर, कंटेनमेंट जोन से जो कोरोना के चेन में बढ़ते, उस पर कितना लगाम लगाया जा सकता है? निश्चित रूप से मैं आपको कहूं कि जो पॉजिटिव केसेस हैं उसका हम लोग आकलन जो हम लोग कर रहे थे, देख रहे थे कि किस प्रकार से उसका स्प्रेड है, तो वार्ड नंबर 15 अगर हम लोग बात करें खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र की, वहाँ पर 38 से अधिक मामले हैं। ट्रैवल हिस्ट्री अगर देखा जाए तो मात्र 3-4 लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक दूसरे से लोगों को हुआ है, उनके मूवमेंट से उस कारण से इतने सारे लोग संक्रमित हो गए, और उसको अगर अभी नहीं रोका गया तो ये 35 लोग एक्सपोनेंशियली हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा लोगों तक ट्रांसमिट कर दें। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इस बार का जो वेव है पुराने वेव से एकदम अलग है, यहाँ पे जो भी मृत्यु लोगों की 3 दिन के अंदर हो जा रही है, आप स्वस्थ हैं अगर आज पॉजिटिव होते हैं तो हो सकता है 3रे दिन आपकी मृत्यु भी हो जाए, इतना संक्रामक ये बीमारी है, और लगभग 70-80% क्षति आपके लंग्स की 3 दिन के अंदर वो कर देता है। अच्छी बात यह है कि अधिकांश मामले एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर बहुत ही कम सिम्टम्स वाले हैं। अगर हम लोग वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगर बताऊँ तो ज़िले में लगभग 32% लोगों को हम लोग वैक्सीनेट अब तक कर चुके हैं, जो लक्ष्य है, और लगभग ये राज्य के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में खगड़िया है जहाँ पर 30 का आंकड़ा हम लोगों ने पार किया है, और आने वाले दिनों में जब ये 1 मई से खुलेगा आम लोगों के लिए, 18+ लोगों के लिए, तो निश्चित रूप से और ज़्यादा इसमें वृद्धि होने वाली है। तो कंटेनमेंट जोन में रेस्ट्रिक्शंस के बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर इसको रोकने में हम लोग सफल हो सकते हैं। मैं लोगों से अपील करूँगा कि जिस प्रकार का ये संक्रमण है, इस दौर से हम लोग बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, और लगभग हर कोई एक संघर्ष कर रहा है, सरकारी कर्मी अपने स्तर पर कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी अपने स्तर पर कर रहे हैं, लोगों का अपना एक संघर्ष है, कई चीज़ें रेस्ट्रिक्ट हो गई हैं तो दिक्कत तो हो ही रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा निर्गत किए गए हैं वो बहुत सोच विचार के उपरांत किए गए हैं, और निश्चित रूप से उन्हीं के उज्ज्वल भविष्य के लिए कि कोई उनके परिवार में बीमार ना पड़े, क्योंकि जिसके परिवार में कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। बड़े शहरों की अगर बात करें, पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे प्रतिदिन 1000 से ऊपर लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, और बेड्स की कमी हो जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। तो फिलहाल खगड़िया में अभी स्थिति ठीक है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता है, बेड की उपलब्धता है,
DCHC हम लोगों का चालू अवस्था में है, और जो भी अभी तक वहाँ पर भर्ती होने के लिए आए हैं उसमें से एक से दो लोगों की मृत्यु जो काफ़ी गंभीर रूप से ग्रसित थे उनकी हुई है। शेष सारे लोग हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि कल से बड़ी संख्या में लोग और जिनका 14 दिन पूरा होगा और जो स्वस्थ होकर रिकवरी वाले मोड में रहेंगे, तो ये भी एक सुखद समाचार अब कल से हम लोगों को प्राप्त होने लगेगा कि बड़ी संख्या में जिस तरीके से लोग संक्रमित हुए थे उनका 14वां दिन पूरा हो रहा है और हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं उसमें अधिकांश लोग, अगर 90%+ लोग जो उनको कोई सिम्टम्स नहीं है या सिम्टम्स थे भी तो आज के दिन वो सबसाइड कर चुका है और वो पूरी तरीके से संक्रमण मुक्त होने की स्थिति में, तो कल से ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन चाहे जो भी हो, आप संक्रमित हों आप संक्रमित नहीं हो, आपको मास्क का व्यवहार करना चाहिए और हर समय करना चाहिए। आप जब भी बाहर निकलें कृपया मास्क का व्यवहार करें और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, ये सब आपके हित के लिए जो भी सरकार का निर्देश है वो लोक हित को ध्यान में रखते हुए सारे निर्देश जारी किए गए उसका अनुपालन करें ताकि आपसे संक्रमण किसी को ना हो और किसी और से संक्रमण आप